हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन। टिल नाउ वी रिकॉर्डेड फाइव लेक्चर्स ऑफ रोटेशनल मोशन एंड इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी स्टडीड अबाउट टॉर्क, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? दैट द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, नाउ इन दिस लेक्चर वी विल टॉकिंग अबाउट वील बी टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम। अब सवाल ये है कि ये एंगुलर मोमेंटम है क्या? देखिए, आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। लीनियर मोमेंटम की जरा डेफिनेशन याद कीजिए। लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं एंड पी इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। मीन्स अ बॉडी इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी और उसके पास जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी की वजह से वो अपनी वेलोसिटी को या मोमेंटम की वजह से वो अपनी वेलोसिटी को किसी और बॉडी को वेलोसिटी दे सकता है। ये काबिलियत मोमेंटम कहलाती है। सो मोमेंटम इज द एबिलिटी टू ट्रांसफर इट्स वेलोसिटी टू अनदर बॉडी, इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या समझ में आ गई? अब यही कंडीशन हम अप्लाई करने वाले हैं रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में कैसे, वो समझने की कोशिश करते हैं। ये समझने के लिए एक दो मासेस हमें कंसीडर करने हैं। एक ये मास है m और ये दूसरा मास है, अगेन m मास है। इन दोनों मासेस को आपने बहुत लाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, लाइट स्ट्रिंग से। और इस सेटअप को, इस कंप्लीट सेटअप को हम स्पेस में लेके चले गए जहां पे कंप्लीट वैक्यूम है, मीन्स एयर नहीं है वहां पे। एंड सेकेंड कंडीशन है कि वहां ग्रेविटी भी नहीं है, वहां पे आप लेके चले गए। ठीक है, अब वहां ले जाने के बाद आपने क्या किया कि आपने एक मास को फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। जब इस मास को आपने फोर्स लगाई तो ये मास नीचे जाने की कोशिश करेगा। अभी तक ये जो स्ट्रिंग थी वो स्लिंग कर रही है, लेकिन जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये मास वहां से यहां पे ऐसे आ जाएगा और स्ट्रिंग जो है वो अब स्लिंग नहीं करेगी बल्कि कंप्लीटली ऐसे आ जाएगी। जैसे ही मास ऐसे यहां पे आएगा वैसे ही ये मास इस स्ट्रिंग पे टेंशन लगाएगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में जब ये स्ट्रिंग पे टेंशन लगाएगा तो होगा ये कि ये मास इसको पुल करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये पुल करने की कोशिश करेगा तो ये मास इधर नहीं आएगा बल्कि यहां से यहां जाने की कोशिश करेगा। अब ये मास यहां से यहां जाने की कोशिश करेगा और ये मास यहां से यहां जाने की कोशिश करेगा, और इस तरह से ये मासेस जो हैं वो रोटेट करने लग जाएंगे अपनी एक्सिस पे। बेसिकली आपने फोर्स लगाई थी या आपने वेलोसिटी दी थी एक मास को, लेकिन उस मास की वेलोसिटी की वजह से दूसरे मास को भी वेलोसिटी मिल गई। और कमाल की बात यह है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं किए। वो कैसे मूव किए? वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम बड़ी ही सिंपल सी बात कहता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए रोटेटिंग मास या रोटेटिंग बॉडी टू ट्रांसफर इट्स एंगुलर वेलोसिटी टू अनदर बॉडी। अपनी एंगुलर वेलोसिटी को दूसरी बॉडी के साथ ट्रांसफर करने की एबिलिटी को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्या समझ में आ गई बात? चलिए तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को एल, कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। एबिलिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी टू ट्रांसफर इट्स वेलोसिटी या इट्स एंगुलर वेलोसिटी विद अनदर बॉडी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम।
कैसी क्वांटिटी है ये, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, अब जैसे हमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाला था वैसे ही हम एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं किससे, एल से। तो एल देखिए किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, एल देखिए एल विल डिपेंड ऑन द मास, मास पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आर पे। और किस चीज पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन, किस चीज पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी पे ये कंप्लीटली डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वेलोसिटी के किसी कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, इस बात को समझना। फॉर एग्जांपल, ये मास यहां ना होके यहां होता, डिस्टेंस अगेन आर है, अब आपने एक बार इसको वेलोसिटी दी, किस एंगल पे, ये इसको आपने वेलोसिटी दी इस एंगल, या मैं कहूं इसकी बजाय हम इस मास को वेलोसिटी दे रहे हैं, और वेलोसिटी हमने दे दी किस एंगल पे, इस एंगल पे। ये कंपोनेंट हो गया क्या आर, तो आपने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया, यहां आ जाएगा वी कॉस थीटा एंड दिस विल बी वी साइन थीटा। नाउ दिस इज द पैरेलल वेक्टर वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा की वजह से ये रोटेट नहीं करेगा, ये रोटेट किसकी वजह से करेगा, वी साइन थीटा की वजह से। इसका मतलब यहां पे कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, वी साइन थीटा। क्या समझ में आ गई बात, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, एल विल बी इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा, ठीक है। चलिए, सो एल इज इक्वल टू, नाउ एल एम वी इज व्हाट, एम वी इज लीनियर मोमेंटम, सो एम वी इज इक्वल टू पी, सो आर इज इक्वल टू पी साइन थीटा, एंड सिंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, सो इट विल बी आर क्रॉस पी। आपको जैसे मैंने टॉर्क में बताया था, वहाँ पे आर क्रॉस एफ करते हैं हम, यहाँ पे हम आर क्रॉस पी करते हैं। क्या समझ में आ गई, तो ये एंगुलर मोमेंटम का एक डिस्क्रिप्शन, एक डेफिनेशन, और उसके बाद ये क्या है, ये उसका फॉर्मूला है। अब सवाल ये है कि एंगुलर मोमेंटम को आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक रोटेट करते हुए व्हील में, जो व्हील रोटेट करता है, तो व्हील जब रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कौन सा व्हील, साइकिल का व्हील, साइकिल का व्हील ये है और ये रोटेट कर रहा है, मींस इसके पास सर्टेन कोई भी वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में, आपने ये डिस्टेंस ले लिया, दिस इज आर, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ये फॉर एग्जांपल इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो वेलोसिटी कैसे है, ऐसे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको इस तरह से मिल गया, अभी आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे बाद में। अब सवाल ये है कि दोनों के बीच में आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे मिलेगा। देखिए ये आर है, आर क्रॉस वी करना है, मतलब आर से वी तक जाना है आपको, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब जो व्हील इस तरह से मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में है, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो व्हील बैलेंस रहेगा या बैलेंस नहीं रहेगा। इस चीज को समझने की जरूरत है, व्हील बैलेंस कब रहता है, जब उसके पास वेलोसिटी होती है। कभी एक स्टेशनरी व्हील को आप बैलेंस कंडीशन में नहीं रखते, वो बैलेंस कंडीशन में नहीं रहता बल्कि गिर जाता है। साइकिल का पहिया रुका हुआ जब होता है तो वो गिर जाता है। आप साइकिल पे, आपके पास एक मिनिमम वेलोसिटी होती है, जिस मिनिमम वेलोसिटी पे आप साइकिल को बैलेंस कर सकते हैं, उसके बाद वो साइकिल गिर जाया करती है। क्यों गिर जाया करती है, कि उसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं होता। वो एंगुलर मोमेंटम कैसे मिलता है, वो एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी की वजह से मिलता है। क्या समझ में आ गई बात, तो वेलोसिटी की वजह से वो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। चलिए, ये एक कंडीशन हुई। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना देखा जाता है हम लोग, आपने एक चीज देखी होगी कि कंपैरिजन किया जाता है स्कूटर और बाइक को।
और कहा जाता है कि बाइक की स्पीड ज़्यादा होती है, स्कूटर की इतनी ज़्यादा नहीं होती है, स्कूटी की इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो एवरेज कम देती है। लेकिन आप अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो उन दोनों ही सिचुएशंस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। साइंस की सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है यहाँ पे। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का क्या मतलब है? एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, ये वेलोसिटी वेलोसिटी और डिस्टेंस बदलते रहते हैं। बाइक का अगर व्हील का साइज बड़ा हो गया है तो उसको घुमाने के लिए इंजन को जो ताकत लगानी पड़ती है वो भी ज़्यादा लगानी पड़ती है हमेशा। बाइक का व्हील अगर छोटा है तो इंजन को उसे घुमाने के लिए जो ताकत लगानी पड़ती है वो भी कम लगानी पड़ती है। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम दो मासेस लें, ठीक है, और दो मासेस लेके एक छोटे से डंडे पे बांध दें या बड़े डंडे पे बांध दें, बांस पे, और उसको बीच से घुमाएं। आप देखेंगे उन मासेस को घुमाने में आपको बहुत एनर्जी लग रही है, लेकिन उन्हीं मासेस को आप अगर पास में ले आएंगे और छोटे से डंडे से बांध देंगे, अब उस डंडे को आप घुमाइए तो एनर्जी कम लगेगी। क्या समझ में आ गई बात? तो स्कूटी का माइलेज कम होना उसके व्हील साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो किसी और चीज़ पर डिपेंड करता है, उसके ट्रांसमिशन पर डिपेंड करता है कि उसका ट्रांसमिशन क्या है। क्या ये क्लियर हो रही है चीज़ आपके दिमाग में? अब ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि उसका माइलेज कम ज़्यादा कैसे होता है। एंगुलर मोमेंटम से आप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। चलिए आगे और भी एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल एक स्पिनर जिसको आप लट्टू बोलते हैं, उसको आप घुमाते हैं तो वो जब घूम रहा है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को घुमाया और एंगुलर मोमेंटम कहाँ मिल रहा है आपको? नीचे। जब तक एंगुलर मोमेंटम नीचे है तब तक वो स्पिन करता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसकी वेलोसिटी कम होती है उसका एंगुलर मोमेंटम अनबैलेंस होने लग जाता है। जब वो अनबैलेंस होने लग जाता है तो उस कंडीशन में वो स्पिनर या लट्टू धीरे धीरे गिर जाता है। क्या समझ में आ गई? तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं वो हम नोट कर लेते हैं। एग्जांपल्स यहां मैं लिख देता हूं, इसके एग्जांपल्स एंगुलर मोमेंटम के कौन कौन से एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ व्हील, रोटेशन ऑफ व्हीकल व्हील। सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल इज स्पिनिंग ऑफ स्पिनर, लट्टू को हम स्पिनर बोलते हैं। थर्ड रोटेशन ऑफ ऑफ या सर्कुलर मोशन ऑफ मोशन ऑफ टू मासेस, रेड पेन ले आना शोभित सर, टू मासेस ऑन ए स्टिक। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हुआ? तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम इस तरह से अप्लाई किया जाता है और ये एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब एक रिलेशन यहाँ पे निकालते हैं, बहुत ही छोटा सा रिलेशन है। दैट रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। बड़े काम का रिलेशन है, देख लेते हैं एक बार कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का क्या लेना देना है। समझिए, टॉर्क किसी भी चीज़ को रोटेट करवाने के काम आता है और एंगुलर मोमेंटम किसी भी रोटेट करती हुई चीज़ के पास आता है होता है। तो इसका मतलब है रोटेट करवाने के लिए टॉर्क की ज़रूरत है और रोटेट जब वो चीज़ करेगी तो एंगुलर मोमेंटम उसके पास है, तो कितने टॉर्क की वजह से कितना एंगुलर मोमेंटम आएगा वो हम देखते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन टाओ एंड एल शॉर्ट। अब देखिए आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर। मैं साइन थीटा 90 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए एफ इंटू आर, और एफ इंटू आर को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर लिख सकता हूँ। दिस इज वन। सेकेंड कंडीशन, अब मैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखता हूँ,
एल इज इक्वल टू, अब ये एम वी एल साइन थीटा है। अच्छा एक चीज मिसिंग मिस हो गई यहाँ पे, उस चीज को देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, अगर थीटा को 90 डिग्री लिख दूँ, साइन 91 होता है, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी आर। जरा इसकी यूनिट हम फाइंड कर लें कि यूनिट क्या होगी, सो यूनिट विल बी मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस है उसकी मीटर, सॉरी वेलोसिटी, ठीक है, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट, एंड वॉट इज द डायमेंशन, डायमेंशन क्या होंगे, किलोग्राम की मास एम हो गई डायमेंशन, मीटर की एल टू हो गई, और ये टी माइनस वन, सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपने क्या फॉर्मूला ले लिया, एल इज इक्वल टू एम वी आर, टाउ का फॉर्मूला ये, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ बाकी सभी मास सेम, आर सेम, यहाँ एक्सेलरेशन और यहाँ वेलोसिटी है, तो आपको क्या करने का है, आपको बस इस वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बनाना है। तो वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएट अबव, अबव मीन्स इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू डीटी या टी, टी से डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम से, सो डी एल बाई डी टी विल बी इक्वल टू एम, मास कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी, सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू एम आर ए। अब एम आर ए यहाँ भी है, एम ए आर यहाँ पे भी है, तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ। कुछ याद आया ये रिलेशन देख के, नहीं आया होगा, भूल गए होंगे आप लोग। लॉज ऑफ मोशन में जब सेकेंड लॉ आपको बताई थी, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ लॉज ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, तो यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क, रोटेशनल मोशन में फोर्स की बजाय क्या आ गई टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम की बजाय क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम। क्या बात समझ में आ गई, तो ये रिलेशन हो गया किसका, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का, मतलब जितनी हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, वो चेंज ऑफ मोमेंटम जो हो रहा है वो कितना होगा, वो टॉर्क के इक्वल होगा। चलिए तो यहां पे ये रिलेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी एक टॉपिक है, वो हम आज डिस्कस ना करके हम कल डिस्कस करेंगे उसको। आज हम इसके अलावा एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, देखिए मैं यहां से इसको हटा देता हूं, क्वेश्चन मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एट आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस सिक्स के कैप इज सिक्स के कैप माइनस सॉरी सिक्स जे कैप माइनस के कैप, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आपको आर दिया हुआ है और आपको ये पी दिया हुआ है, तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस पी, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब फटाफट आप मैट्रिक्स बनाइए, आई जे के लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे ही करते हैं, भूल तो नहीं गए ना आप लोग। सबसे पहले आर की वैल्यू लिख दीजिए, आई का आपने कोफिशेंट 1, 2, माइनस 6, और यहाँ पे पी में आपके पास कोई आई का कंपोनेंट नहीं है, तो आपने 0 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ माइनस 1 लिखा, इनका सॉल्व किया, आई के लिए वैल्यूज लिखेंगे, तो आई आपने छुपा लिया, आई छुपाया तो 2 माइनस 1 माइनस 2, चलिए माइनस 6 इंटू 6 माइनस 12, और एक माइनस और लगता है तो प्लस का 12,
चलिए माइनस का जे, जे के आगे हमेशा माइनस लगता है, जे के कंपोनेंट छुपाइए, 6 × 0 0 हो गया ये, ठीक है। एक मिनट, वन पहले ये करेंगे, 1 × -1 तो ये माइनस का 1 हो गया, 6 × 0 ये प्लस का 0 या माइनस, माइनस यहाँ पे वो 0 हो ही जाएगा, प्लस का के, के की वैल्यू, के कंपोनेंट छुपाए, आई 1 × 6 6 माइनस का 0, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, टेन आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 6 के कैप, दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ये एंगुलर मोमेंटम है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, एक क्वेश्चन और, अ बॉडी ऑफ 6 kg हैविंग वेलोसिटी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी बोला जाएगा तभी आप उसको एंगुलर वेलोसिटी मानेंगे, लेकिन अगर सिर्फ वेलोसिटी दिया हुआ है इसका मतलब वो लीनियर वेलोसिटी है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 2j कैप एट पोजिशन आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, फाइंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है। चलिए तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, लेकिन यहाँ पे लीनियर मोमेंटम नहीं दिया हुआ, मास और वेलोसिटी दी है, तो मास और वेलोसिटी से आप लीनियर मोमेंटम बना लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर क्रॉस एम वी। चलिए तो m को बाहर रखिए फटाफट, m को बाहर किया, r क्रॉस v कर दिया आपने, मतलब अब आप r और v का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मास को बाहर रखेंगे, मास बाहर रखा आपने, मास की वैल्यू कितनी 6, मतलब जो भी वैल्यूज आएंगी उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, r की वैल्यू आपको दी हुई है, r हमेशा सबसे पहले लिखेंगे, तो ये i j k, i की वैल्यू आपको ये 1 2 और ये -1, वेलोसिटी आपके पास क्या दी हुई है 6 - 2 और ये 0। चलिए फटाफट आपने क्या लिखा, वैल्यू आपको निकालनी है 6, अब ये आई कैप, आई कैप के लिए वैल्यू लिखेंगे, आई का छुपाया 2 × 0 0 हो जाएगा और ये -2 × -1 प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस एक लगता है सो इट विल बी -2। चलिए माइनस का जे, जे की वैल्यू में जे छुपाया आपने, मल्टीप्लाई किया किसका 1 × 0 0 हो गया, उसके बाद 6 × -1 और माइनस का एक साइन लगता है तो प्लस का 6 हो गया, उसके बाद आपने के की वैल्यू छुपाई तो प्लस का के और ये वैल्यू क्या आ गई -2 और ये माइनस का 12। चलिए 6, अब वैल्यू लिखेंगे -2i, माइनस का 6j और ये -14k, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -12i कैप -36 6j कैप -14 6 = 84 84k कैप, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, और एंगुलर मोमेंटम की जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू को कि आप यूनिट और लिख दीजिए, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या आई आपके पास, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। चलिए सो मेरे ख्याल से एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थैंक यू सो मच, आज ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं।